जांजगीर चांपा के बलौदा के अंतर्गत सभी शासकीय स्कूलों में चिरायु योजना के तहत बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, जहां बलौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शुभ्रा मिश्रा के टीम द्वारा बलौदा विकासखंड के अंतर्गत प्राथमिक शाला स्कूलों में पहुंचकर बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जहाँ बच्चों के परीक्षण उपरांत प्राथमिक उपचार भी किया जा रहा है। वही डॉक्टर शुभ्रा मिश्रा ने बताया कि ये स्वास्थ्य परीक्षण चिरायु योजना के अंतर्गत हमारी टीम को प्रतिदिन कम से कम 120 बच्चों के परीक्षण करना होता है। वहीं से योजना के तहत हमारे स्वास्थ्य विभाग लगातार स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण करती रहती है। विंटर मौसम की वजह से बच्चों में नॉर्मल फ्लू, सर्दी और खांसी की स्थिति बनी हुई है, जिसका प्राथमिक उपचार हमारी टीम द्वारा किया जा रहा है। शुभ्रा मिश्रा, आज हम ग्राम टिंगीपुर में आए हैं। मैं चिरायु योजना के अंतर्गत आई हूँ, जिसमें 0 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों का स्कूल और आंगनबाड़ी में स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। और आज हमने यहाँ स्कूल के 44 बच्चों में 30 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया है। जी मैडम, जिस तरीके से स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं आप लोग, तो अभी स्वास्थ्य के प्रति क्या देखने को मिल रहा है, क्या स्थिति बच्चों की, कितना नॉर्मल है? अभी जैसा ठंड का मौसम है तो लगभग अधिकतर बच्चों में सर्दी खांसी देखने को मिल रहा है, तो हम उस टाइप के बच्चों को यही मेडिसिन देके उनका तुरंत इलाज कर देते हैं।